फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने कुछ गुलाबों को हार्ट प्रून किया हुआ था और आज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला हुआ है। और इस ब्रांच यहाँ पे मैंने देखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रांच थी और यहाँ से मुझे तीन ब्रांच देखने को मिल रही है। और चूँकि ऊपर सप्लाई जाना बंद हो जाती है जब, तो नीचे से जहाँ से भी नोड एरिया होता है वहाँ से जितने अमाउंट में ब्रांचेस निकल पाती हैं उतने अमाउंट में हेल्दी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन तीन ब्रांच निकल गई हैं एक ब्रांच की जगह पे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा कफ हुआ है, मुझे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं। इसलिए सोचा क्यों ना आपको एक अपडेट दे दूँ कि गुलाबों की प्रूनिंग के बाद मुझे कैसा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि गुलाबों की जब आप प्रूनिंग कर देंगे तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ से कट किया जाता है ब्रांच को सिर्फ वहीं से ग्रोथ शुरू होता है, जब ऊपर पावर सप्लाई जाना बंद हो जाता है तो नीचे से भी नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। और अब मैं आपको अपना मेन प्लांट दिखाता हूँ जिसको मैंने उस वीडियो में प्रून किया था। ये वो प्लांट है जिसको मैंने उस वीडियो में प्रून किया हुआ था। तो जितनी भी अब नई ब्रांचेस इसमें से निकल रही हैं सारी की सारी ब्रांचेस में अच्छे अमाउंट में बंचेस में फूल देखने को मिलेंगे। तो मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि क्या मैं अपने रोज़ की इस समय प्रूनिंग कर सकता हूँ। तो बता दूँ, अगर आपके गुलाब की अभी तक आपने प्रूनिंग नहीं की हुई है और साथ ही साथ उसमें अभी नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है तो आप उसकी बेसिक प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है तो होता क्या है, गुलाब की प्रूनिंग इसीलिए की जाती है कि उसमें नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से शुरू हो। तो अगर नई ग्रोथ शुरू हो गई तो अब आप उसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करें। हाँ, कुछ डेड हेडिंग कर दें, जो आप जिस ब्रांचेज में नई ग्रोथ नहीं शुरू हुई है आप उनकी हल्की सी ब्रांच कट कर दें, ऊपर से वहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके प्लांट में नई ग्रोथ नहीं शुरू हो चुकी है तब आप उसकी अब प्रूनिंग ना करें, क्योंकि वो आप अपनी पावर जो है नई ग्रोथ में लगा चुका है। तो अगर आप उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो काफ़ी स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें देखिए, आप इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स जो है बैठने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इसे फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो गए और ये काफ़ी बंचेस में बनेंगे। ये बर्ड ऊपर आएगा और पूरा बंच में यहाँ पे फ्लावरिंग बर्ड्स बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बिल्कुल प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई होती है। अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो काफ़ी तेज़ी के साथ बूस्ट होती है ग्रोथ इसकी और नई नई ब्रांचेज में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आप देख सकते हैं कि लगभग सारी ब्रांचों में एक नहीं दो तीन ब्रांचेज निकल गई हैं। जैसे एक ब्रांच थी यहाँ पे, अभी ये यहाँ से दो ब्रांच हो गई है। अभी दोनों ब्रांच अच्छी ब्रांच है, काफ़ी हेल्दी है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में जो है आपको फूल देखने को मिलेंगे। अब ये वाली ब्रांच थी काफ़ी कमज़ोर थी, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी और यहाँ से देखिए अभी दो ब्रांच यहाँ से निकल रही हैं और दोनों काफ़ी हेल्दी हैं, दोनों में काफ़ी अच्छे अमाउंट में फूल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूनिंग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं शुरू हुई है, ग्रोथ शुरू हो गई बिल्कुल उसको डिस्टर्ब मत करिए, हल्की फुल्की पिंचिंग कर दीजिए इधर उधर, आप जो इसमें ग्रोथ ना शुरू हुई हो। अगर ग्रोथ शुरू हो गई है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, उसमें अच्छे अमाउंट में फर्टिलाइजर दे दें आप। और अगर आपके प्लांट में ग्रोथ अभी तक नहीं शुरू हुई है, आप अभी भी किसी गर्म इलाके से हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ठंड अब हल्की हल्की शुरू हो गई है, अगर आप किसी गर्म इलाके से हैं आपके यहाँ ग्रोथ नहीं शुरू हुई है तो आप उसकी एक बार अच्छे से प्रूनिंग कर दें, उसके बाद आपको भी कुछ इस तरह जो है अच्छे अमाउंट में बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।